अगर आप इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स या इंडस्ट्रियल सिस्टम के फील्ड से हैं, तो आपने वाल्व का नाम जरूर सुना होगा। ये छोटा सा डिवाइस फ्लूइड और गैस के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। आज के इस वीडियो में हम 5 बेहतरीन वाल्व के बारे में जानेंगे और इसके वर्किंग को भी डिटेल्स में समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाल्व क्या होता है। वाल्व एक मैकेनिकल डिवाइस है जो लिक्विड, गैस या सैलरीज के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसका मेन पर्पस है फ्लूइड के फ्लो को स्टार्ट, स्टॉप या रेगुलेट करना। वाल्व हर जगह यूज होता है, घरों के पाइप से लेकर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स, इरिगेशन सिस्टम, हाउसहोल्ड्स एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेडिकल एप्लीकेशन जैसे और भी कई जगह जहां फ्लूइड को कंट्रोल की जरूरत होती है। मैकेनिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वाल्व है गेट वाल्व। गेट वाल्व का मेन पर्पस है फ्लूइड या गैस के फ्लो को कम्प्लीटली स्टार्ट या कम्प्लीटली स्टॉप करना। इसका डिजाइन स्लाइडिंग गेट पे बेस्ड होता है। इस स्लाइडिंग गेट को डिस्क भी कहा जाता है, जो पाइप के फॉलो पाथ को ओपन या ब्लॉक करता है। इसमें लगे सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स में सबसे पहले आता है बॉडी। बॉडी बेसिकली वाल्व का मेन स्ट्रक्चर होता है जो दो पाइप को जोड़ता है और वाल्व के अंदर के कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये बॉडी कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या ब्रॉन्ज जैसी मटेरियल से बना होता है जो प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चूज की जाती है। किसी भी वाल्व का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोनट। बोनट वाल्व के बॉडी का एक अपर पार्ट होता है जो सीलिंग के लिए यूज होता है। ये वाल्व के अंदर के कंपोनेंट्स को कवर करता है और उसका अलाइनमेंट सही रखता है। बोनट और बॉडी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए बोल्ट्स और गैस्किट का उपयोग किया जाता है। गैस्किट बोनट और बॉडी के बीच एक लीक प्रूफ सील बनाता है। ये इंश्योर करता है कि फ्लूइड बॉडी से बाहर ना आए और नट और बोल्ट बोनट को बॉडी के साथ सिक्योरली अटैच्ड करता है। इस वाल्व के इस पूरे पार्ट को स्टपिंग बॉक्स कहा जाता है। स्टपिंग बॉक्स का मेन काम होता है स्टेम और बॉडी के बीच एक सीलिंग बैरियर क्रिएट करना। इससे सिस्टम का प्रेशर और फ्लूइड कन्फाइंड सिस्टम के अंदर ही मेंटेन रहता है। इसमें लगे कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है स्टेम, जो स्टफिंग बॉक्स के थ्रू पास करता है। ये एक मूवेबल पार्ट होता है जिसका एक सिरा हैंडविल के साथ और दूसरा डिस्क के साथ कनेक्ट होता है। स्टफिंग बॉक्स का दूसरा कंपोनेंट है ग्लैंड बूस और पैकिंग मटेरियल। ग्लैंड बूस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पैकिंग को कंप्रेस करके लीकेज को प्रिवेंट करता है। ये स्टेम को स्मूथली मूव होने में मदद करता है और पैकिंग मटेरियल सॉफ्ट और कंप्रेसिबल होता है जो स्टेम के इर्द गिर्द लगकर सील क्रिएट करता है। तीसरा है ग्लेन फॉलोअर। ये एक एडजस्टेबल कंपोनेंट है जो पैकिंग मटेरियल को टाइटली कंप्रेस करता है। ये इंश्योर करता है कि सील इफिशियंट बनी रहे। इसके बाद पैकिंग नट वोल्ट होता है जो पैकिंग को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। स्टफिंग बॉक्स के ऊपर के हिस्से को यॉक स्लीव कहा जाता है, जिसके ऊपर हैंडविल लगा होता है। हैंडविल स्टेम से कनेक्ट होता है और स्टेम का दूसरा एंड डिस्क से कनेक्ट होता है। डिस्क ही वो मेन पार्ट होता है जिससे फ्लूइड फुल्ली ओपन या क्लोज होता है। जब हैंडविल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो स्टेम में बने थ्रेड्स के सहारे स्टेम और डिस्क ऊपर जाता है और वाल्व ओपन हो जाता है। और जब हैंडविल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो वाल्व क्लोज हो जाता है। गेट वाल्व का ज्यादातर यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऑयल या गैस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वाल्व है ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व एक कॉमनली यूज होने वाला वाल्व है जो फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इसका नाम ग्लोब इसके स्फेरिकल डिजाइन की वजह से पड़ा। ये वाल्व एक थ्रोटलिंग वाल्व के रूप में काम करता है जिसमें फ्लूइड के फ्लो को स्टार्ट, स्टॉप या रेगुलेट करना इजी होता है। ग्लोब वाल्व में फ्लूइड का फ्लो एक जिग जैग पैटर्न में होता है। इसमें इनलेट और आउटलेट पार्ट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है कि फ्लूइड का फ्लो पहले डिस्क के नीचे होता है, फिर सीट के ऊपर से पास होता है। इस जिग जैग फ्लो की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है, लेकिन ये थ्रॉटलिंग के लिए हेल्पफुल होता है। जब हैंडविल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है
तो स्टेम और स्टेम के साथ अटैच डिस्क भी ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, जिससे फ्लूइड के फ्लो के लिए रास्ता खुलता है और फ्लूइड फ्रीली फ्लो करता है। और जब हैंडव्हील को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्टेम डाउनवर्ड मूव करता है, स्टेम के साथ अटैच डिस्क भी नीचे की तरफ मूव करता है और सीट के साथ टाइटली कनेक्ट हो जाता है। इस कनेक्ट की वजह से फ्लूइड का फ्लो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। ग्लोब वाल्व का ज़्यादातर यूज़ वाटर कूलिंग सिस्टम, फ्यूल एंड ऑयल सिस्टम, केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट, बॉयलर और टरबाइन सिस्टम में होता है। नेक्स्ट वाल्व है बॉल वाल्व। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें एक बॉल जैसा पार्ट होता है जो फ्लूइड के फ्लो को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। ये एक रोटेटरी मोशन वाल्व होता है। इसमें एक होलो शेप का बॉल होता है जो हैंडल के थ्रू रोटेट होता है। जब बॉल का होल पाइपलाइन के डायरेक्शन में होता है तो फ्लूइड का फ्लो होता है, और जब बॉल 90 डिग्री रोटेट होता है तो फ्लूइड का फ्लो बंद हो जाता है। इस वाल्व का ज़्यादातर यूज़ घरों के प्लम्बिंग सिस्टम में किया जाता है, और इसके अलावा फूड इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और पावर प्लांट में भी इसे देखा जा सकता है। इसके बाद है बटरफ्लाई बल्ब। ये बल्ब लाइट वेट, फास्ट ऑपरेशन और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। बटरफ्लाई बल्ब एक रोटेशनल मोशन बल्ब है जो एक डिस्क के माध्यम से फ्लूइड का फ्लो को कंट्रोल करता है। इसका नाम बटरफ्लाई इसलिए पड़ा क्योंकि इसका डिस्क का मोमेंट एक बटरफ्लाई के विंग्स जैसा लगता है। जब हैंडल को 90 डिग्री घुमाया जाता है तो डिस्क पाइपलाइन के पैरेलल हो जाता है और फ्लूइड पाइप में फ्रीली फ्लो करता है, और जब हैंडल को वापस 90 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो डिस्क पाइपलाइन के परपेंडिकुलर होता है, जिससे फ्लूइड का फ्लो रुक जाता है। इस वाल्व का यूज़ ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सीवेज ट्रीटमेंट और कूलिंग वाटर सर्कुलेशन में किया जाता है। इसके बाद डायफ्रेम वाल्व आता है। डायफ्रेम वाल्व एक लीनियर मोशन वाल्व होता है जो एक फिक्सेबल डायफ्रेम का यूज करके फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये डायफ्रेम रबर, PTFE या किसी भी फिक्सेबल मटेरियल का बना होता है जो पाइपलाइन के बीच एक सील क्रिएट करता है। इसका डिज़ाइन सिंपल होता है और ये लीकेज प्रूफ होता है, इस वजह से इंडस्ट्रीज में इसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जो एक स्टेम से कनेक्ट होता है। जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो स्टेम डायफ्रेम को नीचे प्रेस करता है और फ्लूइड का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, और जब हैंडल को रिवर्स घुमाया जाता है तो डायफ्रेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और फ्लूइड का फ्लो वापस से अलाउ हो जाता है। इस तरह डायफ्रेम वाल्व ऑन या ऑफ दोनों कंडीशन में इफिशियंटली काम करता है। इस वाल्व का ज़्यादातर यूज़ केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो दोस्तों, ये था डिटेल्स एक्सप्लेनेशन 5 यूजफुल वाल्व के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके पास कोई सवाल या सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।